दीदी हमको मन नहीं करता है दादा चलाने, ये कोना में दुकान लगाई से बड़ा बड़ा आदमी लोग सिगरेट दीजिए गुटका दीजिए पीरा पैसा मांगेंगे जो बोलेगा रुकिए ना देने देखते देखते चाबी घुमा के पास। जब इरादा मजबूत और हौसला बुलंद हो तो जिंदगी आसान हो जाती है। ये लाइन संदीप के जीवन पर बिल्कुल फिट बैठता है। वह संदीप जिसे कलयुग का श्रवण भी कहा जा सकता है। आज के दौर में जहां बाप बेटे का नहीं होता, बेटा भाई का नहीं होता है, ऐसे समय में संदीप कई परिवारों के लिए एक मिसाल है। 28 साल की उम्र में संदीप हर दिन अपने रिक्शे के पैडल पर दौड़ लगाता है। वह संदीप जो खुद ठीक से चल भी नहीं सकता, अपने माँ बाप का जीवन चलाता है। खुद शरीर से लाचार और दिव्यांग होते हुए भी अपने बीमार माँ बाप का ख्याल रखता है। देखिए दुकान लगाए, दुकान में दर्ज बाले पैसा बिके, कोई फायदा नहीं हुआ। लोग को लेगा कोई पैसा देगा, कोई लेके चल जाएगा। ये कोना में दुकान लगाए से बड़ा बड़ा आदमी लोग सिगरेट दीजिए गुटका दीजिए पीरा पैसा मांगेंगे जो बोलेगा रुकिए ना देने देखते देखते चाबी घुमा के पास। तो दुकान बंद हो गया। हाँ। रिक्शा चला के कितना कमा लेते हैं? कभी 50 रुपया, कभी 80 रुपया, कभी 300 रुपया। घर कैसे चलता है आपका? मम्मी को कमी होता है तो जीते, कमी नहीं हुआ तो नहीं। किसी ने ठीक ही कहा है, इस कलयुग में बेटा नालायक हो जाए उससे अच्छा है विकलांग ही हो, संदीप ही हो, क्योंकि बूढ़ी माँ बाप के लिए औलाद का फर्ज तो यही श्रवण कुमार निभा रहा है। संदीप का बस यही सपना है कि वह अपने माँ बाप को खुश रखे और उनके लिए कमाए। छोटी सी उम्र में इन्होंने कमाना शुरू कर दिया। जो लड़का ठीक से बोल भी नहीं पाता, जिसने पढ़ाई के नाम पर केवल 8वीं कक्षा पास की है, लेकिन इसके मन में कई आस है, जैसे जीतने की आस, अपने बेटे होने का कर्तव्य निभाने की आस, माँ बाप को खुश रखने की आस। संदीप हर सुबह अपने रिक्शे को लेकर निकल पड़ता है पैसे कमाने की आस में। लेकिन जनाब ये तो जिंदगी है, इतनी आसानी से किसी को भी कहाँ खुश रहने देती। संदीप सुबह रिक्शा लेकर तो निकलता है, लेकिन हर दिन उसे नई नई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि संदीप विकलांग है, ठीक से चल भी नहीं पाता, ठीक से बोल भी नहीं पाता। तो रिक्शे पर बैठने वाले लोग उसे कभी पागल कहकर बुलाते हैं तो कभी विकलांग समझते हैं। कोई भी व्यक्ति संदीप के रिक्शे पर बैठना भी नहीं चाहता, लेकिन इसके बावजूद संदीप हौसला नहीं हारता। और संदीप के इसी हौसले की वजह है कि आज उसका परिवार भी उस पर गर्व करता है। संदीप के माँ बाप का कहना है कि वह उनका श्रवण कुमार है, बुढ़ापे का सहारा है। उन्हें गर्व होता है कि संदीप उनका पुत्र है। सोचिए ही तो मेरे लिए भगवान ही है,
किसी को कुछ मांगे, अभी तक किसी को कुछ मांगने के लिए नहीं किया है। जो तुम आज उसको वो चीज मांगो, भले नून मारे खिलाता है। हमको बहुत दुख लगता है, सबसे ज्यादा राष्ट्रीय के बारे ताकि और किसी को नहीं, लेकिन अपना प्लान बहुत चाहे कुछ हो जाए, इसलिए को मानना भी पड़ता है। जो कोई फर्क नहीं है, आगे बात जाए कोई भी जाए तो हमको कोई मतलब। जन्म लेते ही सब कुछ मिल जाने वाले उन औलादों को क्या पता चलेगा जो इस बुढ़ापे की उम्र में अपने मतलब और पैसे के लिए अपने माँ बाप तक को छोड़ देते हैं। ऐसे लोगों के लिए संदीप एक प्रेरणा का उदाहरण है। संदीप को देखकर आजकल के लोगों को यह प्रेरणा लेनी चाहिए कि अगर संदीप जैसा गरीब, लाचार और दिव्यांग व्यक्ति अपने माँ बाप के लिए श्रवण कुमार बन सकता है तो हम और आप क्यों नहीं। संदीप को सलाम है मेरे और हमारे पूरे इनसाइडर टीम की तरफ से। अब संदीप को यही उम्मीद है कि राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जल्द ही उनकी गुहार पूरी करेंगे और उन्हें रिक्शा के बजाय ई रिक्शा सरकार की तरफ से दिलाई जाएगी। संदीप कई वर्षों से ये उम्मीद लगाए बैठा है कि कभी ना कभी तो सरकार उनकी मांग जरूर पूरी करेगी। ऐसे में देखना होगा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और राज्य की सरकार संदीप के लिए क्या कुछ मदद करती है। तब तक के लिए बने रहे इनसाइडर लाइव के साथ। धन्यवाद।